गर्व हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं यशस्विनी, आप देख रहे हैं द रियल एक्सप्रेस। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा न केवल देश की राष्ट्रभाषा है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चौथी भाषा है। आपको बता दें, साल 1949 के 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस बेहद खास होता है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान और संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। आज के समय लोग अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन में हर हिस्से में उतारने में लगे हैं। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषा का अपना एक अलग महत्व बना हुआ है। जिस प्रकार आपकी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी का स्थान भी कोई नहीं ले सकता। आजादी के 75 साल के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा अधूरी है। हिंदी भाषा देश की राजभाषा ही बन पाई है। आज पूरे देश में हर राज्य में हिंदी बोलने समझने वाले लोग रहते हैं। गैर हिंदी भाषा राज्यों में भी लोग काम चलाओ हिंदी ही जानते हैं। भले ही आधिकारिक तौर पर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा ना हो, केवल राज्य भाषा हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो इस देश की यह सर्वव्यापी भाषा है। ऐसे में जरूरत है आज हिंदी को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हमारे चैनल को। धन्यवाद।